ओम नमः शिवाय। आज के जन्मे जातक सुबह से लगभग 12 बजे तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में माने जाएंगे। तत्पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें शाम लगभग 5 बजे तक सिंह राशि में माने जाएंगे। उसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में चले जाएंगे। ऐसे जातकों के अंदर शुक्र और सूर्य का मिला जुला गुण विद्यमान रहेगा। ऐसे जातक सुंदर, मोहक, धनी, ऐश्वर्यशाली, नेतृत्व की क्षमता वाले, दृढ़ निश्चयी, सौम्य व्यवहार वाले और सर्वगुण संपन्न होते हैं। कुंडली में शुक्र, बुध और सूर्य की स्थिति जातक को सफल बनाने के लिए उत्तरदायी होगी। आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अपने शौक को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मित्र बंधुओं से सहयोग मिलेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक पक्ष और कार्य व्यवसाय अनुकूल चलेगा। शाम के बाद किसी पारिवारिक उत्सव या सगे संबंधियों से मुलाकात होगी। नई कार्य योजनाओं को का ताना बाना जो दिमाग में चल रहा है उसको क्रियान्वित करें, सफल रहेंगे। स्वयं के किसी या सगे संबंधी के पारिवारिक उत्सव में व्यस्त रहेंगे। हर्ष और उल्लास का माहौल बना रहेगा। ससुराल पक्ष से अनुकूलता मिलेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। नई कार्य योजना को प्रयास करके पूरा करें। आपकी सक्रियता या काम करने के उत्साह में उतार चढ़ाव बना रहेगा। सरकारी या न्यायालय विभाग से सहयोग मिलेगा। शुक्र और बुध केतु और सूर्य के साथ अभी अस्त चल रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी पड़ेगी। तनावपूर्ण जीवन शैली से बचने की कोशिश करें। अधूरे कामों को पूरा करने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। थोड़ी संघर्ष की स्थिति आ सकती है। धैर्य पूर्वक काम करें। विरोधियों की गतिविधियों पर भी ध्यान दें। आर्थिक लाभ और व्यावसायिक सहयोग बना हुआ रहेगा। शाम तक का माहौल आपके लिए आरामदायक महसूस होगा। अपने खान पान और आहार विहार में अनुशासन बनाए रखें। धन के लेन देन में विशेष सावधानी रखें। अचानक लाभ की स्थिति बन सकती है। वाद विवाद या न्यायालय से संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी दिक्कतें बनी रह सकती हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। मानसिक उत्तेजना को बढ़ने ना दें। अचानक लाभ के लालच से बचने की कोशिश करें। कार्य व्यवसाय में आ रही दिक्कतें कम होंगी। आर्थिक योजनाओं को बल मिलेगा। किसी काम में निवेश का योग बना हुआ है। पत्नी के स्वास्थ्य पर नजर रखें। शाम तक माहौल अनुकूल हो सकता है। मानसिक उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा। काम करने में खुशी महसूस होगी। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष अनुकूल रहेगा। विरोधियों से धन लाभ हो सकता है। रुकी या डूबी हुई संपत्ति मिलने का भी योग आज बना हुआ है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। पेट संबंधी छोटी मोटी दिक्कतें बनी रह सकती हैं। उन्नति के अवसर मिलेंगे। मित्रजनों से सहयोगात्मक व्यवहार बना रहेगा। अपने स्वास्थ्य और व्यवसाय के प्रति संजीदगी आज बनी रहेगी। आर्थिक क्षेत्र में सुधार होगा। संपत्ति के विवादों में सफलता मिल सकती है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से सहयोग मिल सकता है। आपके प्रयास सार्थक होंगे। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। किसी पर्यटक स्थल या धार्मिक यात्रा का आज योग बनता है। आज अच्छे कामों में खर्च या निवेश की स्थिति बनी रहेगी। नवीन संपत्ति के निवेश में जल्दबाजी ना करें। सोच समझ कर निर्णय लें। इष्ट मित्रों की ओर से सहयोग बना रहेगा। धन के लेन देन में सावधानी बरतें। कार्य व्यवसाय में दुविधाजनक स्थिति से बचें। आर्थिक एवं व्यावसायिक पक्ष आज सामान्य रहेगा।
अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। आँखों से या कान से संबंधित दिक्कत बढ़ सकती है। मानसिक भ्रम की स्थिति में ना पड़ें, दूसरे के बहकावे में ना आए। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। नौकरी करने वाले जातक अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा कर रखें। संतान पक्ष सामान्य रहेगा। अपने प्रयास में पत्नी की सलाह को प्रश्रय दें, अनुकूलता मिलेगी। अच्छे कामों में निवेश की स्थिति बनी हुई है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। मन के नकारात्मक विचारों पर ध्यान ना दें। कार्यशीलता प्रभावित होगी। आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है। धैर्य पूर्वक अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहें। सामाजिक उत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा। अपेक्षाकृत परिस्थितियां पहले से अनुकूल रहेंगी। मित्र बंधुओं का सहयोग बना रहेगा। आज का दिन वाद विवाद या न्यायालय से संबंधित मामलों में मध्यम रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों में संघर्ष की स्थिति लगी रहेगी, जो शाम तक अनुकूल हो जाएगी। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। जोड़ों या नसों से संबंधित शिकायत हो सकती है। आपके संघर्ष के मुकाबले आर्थिक लाभ कम रहेगा। सहयोगी पक्ष अनुकूल रहेगा। धार्मिक कामों में खर्च की स्थिति बनी रह सकती है। आज देवदर्शन के योग बनते हैं। शाम को पारिवारिक उत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य व मन की बेचैनी में सुधार मिलेगा। आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष मजबूत है। वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले में अनुकूलता मिलेगी। आज का काम आज ही खत्म कर लें, कल पर ना टालें। प्रयास सार्थक होंगे। परिस्थितियों को ध्यान में रख कर काम करें। किसी के दबाव में ना आएं। पारिवारिक तालमेल में कमी आ सकती है। निजी संबंधों में तनाव पैदा ना होने दें। आज का दिन बाधा कारक महसूस होगा। मन में नकारात्मक विचारों को जगह ना दें। सामाजिक मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में सावधानी रखें। पेट या स्नायु तंत्र या पानी से होने वाले संक्रमण पर सावधानी बरतें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नवीन योजनाओं पर सहयोग मिलेगा। सकारात्मक प्रयास जारी रखें। यात्रा करते समय सावधानी बरतें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।